चलो दोस्तों, आज देखते हैं महाकाल मंदिर पर वीआईपी दर्शन में भड़की एक महिला। तो रेडी करते हैं, 3 2 1 गो स्टार्ट। धर्म को काला धंधा बना दिया है। जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें मूर्ति के सामने बैठा कर दर्शन करवाया जा रहा है। जिनके पास नहीं है वह मूर्ति से 20 मीटर दूर लाइन में धक्के खा रहे हैं। महाकाल मंदिर में उस वक्त अजीब सी स्थिति हो गई जब एक महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। बुजुर्ग महिला वीवीआईपी दर्शन के सिस्टम पर भड़क उठी। महिला पहले एक महिला पुलिसकर्मी से उलझ गई और सवाल करने लगी। इसके बाद बुजुर्ग महिला एक पुरुष पुलिसकर्मी से भी उलझ गई। इसके बाद महिला 3.5 फुट की बैरिकेडिंग कूदकर गणेश मंडपम से नंदी हॉल में प्रवेश कर गई। सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उसके पहले ही महिला सीधे गर्भगृह में पहुंची। यहां भी पुजारियों के साथ उनकी बहस होती रही। दरअसल महिला दर्शन करने वालों की भीड़ की वजह से भगवान महाकाल के दर्शन दूर से भी नहीं कर पा रही थी, जिससे वो गुस्सा हो गई और अव्यवस्थाओं को लेकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें कि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों ने महिला को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बेकाबू और गुस्से से आग बबूला महिला किसी के सुनने को तैयार नहीं थी। महिला ने गर्भगृह में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिला को जब सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो महिला ने गुस्से में उन्हें धक्का मारा और बैरिकेड कूद कर सीधे गर्भगृह में जा पहुंची। अगर बिना वीआईपी टिकट के आप दर्शन करोगे तो, अगर नहीं तो ऐसे करके आप भी जा सकते हो। महिला ने भगवान महाकाल का अभिषेक किया और बाहर निकल गई। बता दें कि मंदिर में 2 लाइन में लोग दर्शन करते हैं, एक निशुल्क दर्शन की तो वहीं एक वो लाइन होती है जिसमें 250 रुपए की रसीद कटवाने के बाद लोग जाते हैं। इस बात की जानकारी नहीं है कि महिला ने 250 की रसीद ली थी या महिला आम दर्शनार्थियों के साथ निशुल्क वाली लाइन में लगकर मंदिर में आई थी और 250 रुपए की रसीद की लाइन में पहुंच गई, जहां से बैरिकेडिंग कूद सीधा गर्भगृह में प्रवेश कर गई। महिला कौन है, कहां से आई है, इसकी सूचना भी किसी को नहीं। मामले को लेकर मंदिर समिति जांच में जुटी है। हालांकि अब तक मामले में मंदिर समिति की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अम्मा जी मुझे महाराष्ट्र से लग रही है, क्योंकि उनका पहनावा ये सब चीजें देखकर कैसे लग रहा है कि वो महाराष्ट्र से आई है। अरे दोस्तों, मुझे लग रहा है कि शायद माता जी महाराष्ट्र से थी और महाराष्ट्र के लोग काफी भोलेनाथ के भक्त होते हैं, क्योंकि मैं भी एक्चुअल घूमा हूँ, भीमाशंकर, जटाशंकर, सब जगह गया हुआ हूँ। लेकिन तब आई होप क्रेज नहीं था यूट्यूब का, ना मैं आपका दोस्त था ना आपका होस्ट था। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।